मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टेक की दुनिया के सबसे बड़े 10 अपडेट्स के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज से लेकर शाओमी और लाइका की स्पेशल कोलैबोरेशन तक। चलिए देखते हैं इस बार टेक की दुनिया में क्या हुआ खास। सैमसंग ने अपनी मच अवेटेड S23 सीरीज फाइनली लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में गैलेक्सी S23, S23 प्लस और गैलेक्सी S23 अल्ट्रा शामिल हैं और तीनों स्मार्टफोन्स स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 SoC से लेस भी हैं। S23 अल्ट्रा की बात करें तो ये आता है 6.8 इंच QHD प्लस डिस्प्ले, S Pen सपोर्ट और 5000 mAh की बैटरी के साथ। साथ ही इसमें 200 MP प्राइमरी लेंस, 2 10 MP टेलीफोटो लेंसेज और 12 MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी है। फ्रंट कैम की बात करें तो इसमें 50 MP का कैमरा मिलेगा। सैमसंग ने S23 सीरीज के साथ अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में गैलेक्सी बुक 3 सीरीज भी लॉन्च की। इस सीरीज में सैमसंग ने 3 लैपटॉप्स लॉन्च किए, सैमसंग बुक 3 अल्ट्रा, बुक 3 प्रो और बुक 3 प्रो 360। गैलेक्सी बुक 3 प्रो 360 2-in-1 कन्वर्टेबल फॉर्म फैक्टर और एस पेन फंक्शनैलिटी के साथ लॉन्च किया गया है। वहीं गैलेक्सी बुक 3 प्रो एक थिन और लाइट क्लैम्प शेल डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। जर्मनी बेस्ड कैमरा ब्रांड लाइका और शाओमी इंडिया ने अपनी कोलैबोरेशन की अनाउंस। जी बिजनेस से खास बातचीत में शाओमी इंडिया CMO अनुज शर्मा ने बताया कि शाओमी और लाइका की कोलैब बहुत ही खास है और जल्द ही इस कोलैब के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की जाएगी। ओप्पो ने लॉन्च किया अपना लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 8T। स्नैपड्रैगन 695 5G SoC से लैस ये डिवाइस 6.7 इंच FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले और 4800 mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है। कैमरा की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप विद 108 MP प्राइमरी लेंस है। साथ ही इसमें 32 MP का फ्रंट कैम भी मिलेगा। सोनी ने इंडिया में लॉन्च किया अपना पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर सोनी NW-ZX707। एंड्रॉयड 12 पर रन करने वाला ये म्यूजिक प्लेयर कंपनी के अकॉर्डिंग सिंगल चार्ज में 25 घंटे तक चल सकता है। इसके साथ ये S Master HX डिजिटल एम्प के साथ आता है जो नेटिव DSG सपोर्ट करता है और इसमें यूजर्स को 5 इंच का डिस्प्ले भी मिलेगा, साथ ही साथ वाईफाई सपोर्ट भी मिलेगा। डेल ने इंडिया में लॉन्च किया अपना लेटेस्ट गेमिंग लैपटॉप Alienware Aurora R15। 13th जेन कोर रैप्टर लेक प्रोसेसर से लैस ये लैपटॉप NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU के साथ लॉन्च किया गया है। इसके साथ इस लैपटॉप में 240mm AIO हीट एक्सचेंजर भी है, जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है और साथ ही कूलिंग भी इम्प्रूव होती है। Realme का स्पेशल कोका कोला एडिशन स्मार्टफोन जल्द ही होगा इंडिया में लॉन्च। कंपनी ने कंफर्म किया कि Realme 10 Pro 5G कोका कोला एडिशन भारत में 10 फरवरी को लॉन्च कर दिया जाएगा। नॉइज ने लॉन्च किए नॉइज बर्ड्स VS102 Pro। ये TWS बर्ड्स ANC 40ms अल्ट्रा लो लेटेंसी, IPX5 रेटिंग और 40 आवर्स की बैटरी लाइफ के साथ लॉन्च किए गए हैं। Firebolt ने लॉन्च की अपनी लेटेस्ट स्मार्ट वॉच Firebolt Cobra। 1.78 इंच AMOLED डिस्प्ले से लैस ये वॉच कंपनी के मुताबिक 15 डेज के बैटरी बैकअप के साथ आती है। इसके साथ इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग और 123 स्पोर्ट्स मोड भी हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग ये स्मार्ट वॉच 12 मिलिट्री ग्रेड टफनेस टेस्ट भी पास कर चुकी है, जिससे ये एक्सट्रीम हीट, कोल्ड और ह्यूमिडिटी जैसी कंडीशंस में भी सही से चलती है। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जल्द ही व्हाट्सएप पर आ सकता है कॉलिंग शॉर्टकट फीचर। WA Beta इन्फो के मुताबिक इस फीचर के आने के बाद यूजर्स स्पेसिफिक यूजर के लिए कॉलिंग शॉर्टकट डायरेक्टली होम स्क्रीन पर ही ऐड कर सकेंगे। अभी फिलहाल इस फीचर पर काम चल रहा है, पर जल्द ही ये ऑफिशियली भी लॉन्च हो सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।